किशोर शर्मा से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से जम्मू कश्मीर सांसद जुगल किशोर हैं। बात करते हैं सर, एक ट्राइबल महिला को आप लोग इस बार लेकर के आए हैं, क्या वोटों की राजनीति है, सच्चाई में ट्राइबल्स का भला बीजेपी करना चाहती थी? देखिए, आपने देखा होगा जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और तभी से ऐसे लोग जो समाज में पिछड़ गए हैं, विशेष तौर पर हमारी जो माता बहनें महिला वर्ग, वो पिछड़ा हुआ था, उनको पूरे अधिकार देना, उनका मान सम्मान करना, ये तो मोदी जी के स्वभाव में था ही। लेकिन उसके बावजूद कि भाई एक आदिवासी महिला को इतना मान सम्मान देकर इस उच्च स्थान पर लाना, कैंडिडेट बनाना, ये दर्शाता है कि मोदी जी जो है ना वो दूर की सोचते हैं और सेवा भाव से काम करते हैं। और ये जो जितना भी समाज है जो अपने आप को थोड़ा सा पीछे समझता है, उसे आगे लाने का प्रयास जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का रहता है। ये जो नारा था ना, सबका साथ सबका विकास, अब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि वो नारा क्या था और उसका अर्थ क्या था। यही था कि सबको सम्मान मिले, सबका विकास हो। इसीलिए आज हमें खुशी है इस बात की कि एक हमारी बहन आदिवासी समुदाय से आती हैं और उनको राष्ट्रपति के पद के लिए उन्होंने चयन एनडीए ने किया है। और हम सब भी आज इसी विषय को लेकर जहां पर उपस्थित हुए हैं, तो लगता है कि नहीं, आज देश में जो निर्णय हो रहे हैं वो सही निर्णय हो रहे हैं। अच्छा, यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यशवंत सिन्हा जी का स्वभाव, उनकी कार्यशैली आज की नहीं पुरानी आप जानते होंगे। इन्होंने हमेशा जो है ना एक गुटबाजी या फिर मतलब किसी को टारगेट बनाकर राजनीति करना और विरोध करना इनके स्वभाव में रहा है। और विपक्ष ने तो इनको इसलिए बनाया कि भाई ये नरेंद्र भाई मोदी जी का हमेशा विरोध करते आए हैं और आज भी विरोध करते हैं, इसलिए इनको कैंडिडेट बनाया है। और कोई अगर आपको लगता हो कि नहीं इसलिए बनाया, तो आप बताएं, सिर्फ मोदी जी के विरोध करना है इसलिए अपोजिशन को अच्छा लगा और इनको कैंडिडेट बनाया है? अच्छी बात है, बनाए, हमें कोई उसमें सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि आप अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जिता पाएंगे? तो विपक्ष कह रहा है कि हम भी जीतेंगे तो आप भी जीतेंगे, जब दोनों ही जीतेंगे। विपक्ष का तो काम ही ऐसा है ना, वो तो कहेगा ही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कैंडिडेट दिए हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो योग्य कैंडिडेट हैं और सब लोग जो हैं उनके साथ हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि लोग द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी सांसद जुगल किशोर, जिन्होंने साफ कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा कैंडिडेट हैं जिनको जिताने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सहयोगी साहित्य के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।